प्रमुख रूप से इस समय जो मक्के की फसल तैयार हो रही है और इसमें कीट का अधिक प्रकोप होता है और जो ये कीट होते हैं कभी कभी मक्के की फसल को अधिक नुकसान पहुंचा देते हैं। तो प्रमुख रूप से जो मक्का है इस समय इसमें सूट बोरर की बहुत अधिक समस्या रहती है। जो इसके बोरर होते हैं खास करके अगर इसको टैक्सोनॉमिक यहाँ पर कुछ बात करें तो जो कैरम्बिडी फैमिली होती है ऑर्डर लेप्टोप्टेरा की, उसका ये बहुत ही घातक कीट है और इसकी मौत नुकसान नहीं पहुंचाती और इसके जो कैटरपिलर होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी मादा शाम के समय पत्तियों की निचली सतह पर अंडे दे देती है और अंडे देने के बाद इनसे निकले हुए कैटरपिलर अपने काटने चबाने वाले मुखांग से धीरे धीरे पहले नरम पत्ती को खाते हैं, फिर ऊपर से जो सोखी होती है वहाँ पर चले जाते हैं। सोखी में जाने के बाद फिर टॉप से बॉटम की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और अंदर ही अंदर कैटरपिलर इनके खाते हैं। इनके कैटरपिलर का जो जीवन काल होता है लगभग 20 से 22 दिन का होता है और चार अवस्थाएं होती हैं। कैटरपिलर में प्रमुख रूप से जब ये काटना शुरू करता है तो उसमें छोटी अवस्था में होता है कम नुकसान होता है, धीरे धीरे जो है जब ये बीच में मध्य में पहुंच जाता है तो कभी कभी आधा पौधा सड़ जाता है, सड़ करके नीचे टूट करके गिर जाता है। इस तरह से ये फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा देते हैं। जब कैटरपिलर चौथी अवस्था में होता है तो जड़ के पास ये जा करके वहाँ पर प्यूपा अवस्था में बदल जाता है। तो इस तरह से एक जो लाइफ साइकिल है 30 से 35 दिन में इसकी पूरी हो जाती है और मक्के की फसल के अलावा अन्य फसलों के ऊपर भी ये हस्तांतरित हो जाता है। तो इस प्रकार के कीटों का समय से प्रबंधन कर लिया जाए तो फसलें बच जाती हैं। प्रमुख रूप से जो जब इस कीट का प्रकोप दिखने लगे तो शाम के समय लाइट प्रपंच, जिसको प्रकाश प्रपंच कहते हैं, लाइट जला देनी चाहिए, अब खेतों में प्रपंच लगा देने चाहिए और इसमें नीचे की तरफ होता क्या है कि नीचे तरफ के एक बड़ा सा जो है पात्र होता है, बर्तन होता है, उसी में लाइट को लगा दिया जाता है और मौत जो है आ करके उसी में गिर करके नष्ट हो जाती है। दूसरा प्रमुख रूप से जो सफल तरीका है कि जब जैसे ही इन्फेस्टेशन शुरू हो ऊपरी पत्तियों में 3-4 छेद मिलने लगे तो बाजार से एक कीटनाशक है जिसका नाम है इमामेक्टिन बेंजोएट की 3 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी की दर से यदि घोल बना करके छिड़काव कर दिया जाता है तो इसका प्रबंधन हो जाता है। यदि ये रसायन नहीं मिलता है बाजार में तो लेमडा साई हेलोथ्रिन नामक कीटनाशक है, उसकी 1.5 ml मात्रा को 1 लीटर पानी की दर से घोल बना करके छिड़काव कर दिया जाए तो इस कीट का प्रबंधन हो जाता है। ऐसे तो जैविक विधियों से भी जो ये मेज का सूट बोरर है इसका प्रबंधन किया जाता है। बाजार में बहुत से जैविक उत्पाद हैं जिसमें से ब्यूवेरिया बैसियाना है, मेटार्जियम एनिसलोपी है, इनको आप बाजार से ले आइए और जब इस प्रकार की समस्या दिखे तो आप अपने खेतों में इनकी 3 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल बना करके, ये पाउडर फार्म में मिलते हैं, इनको ले आइए और अपने खेतों में छिड़काव कर दीजिए तो ये इनसे फसलों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टॉक्सिक प्रभाव नहीं पड़ता है और हमारी जो फसलें हैं वो कीटों से बच जाती हैं। तो प्रमुख रूप से जो इस समय मक्का की फसल है उसको प्रबंधित करने का ये सफल तरीका है और जिससे जो है अधिक लाभ कमाया जा सकता है।